नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 लोक सेवा आयोग द्वारा अनदेखी के चलते 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधर में लटकी है। 2015 के बाद 6 वर्ष बाद आई इस परीक्षा में बार बार लोक सेवा आयोग द्वारा ठंडे रवैये के कारण 3 बार साक्षात्कार की तिथि बदली गई। साथ ही परीक्षा से 3 महीने पहले सिलेबस बदल दिया गया और 4 जनवरी 2023 में रिजल्ट आने के बाद अभी तक साक्षात्कार नहीं कराए गए, जिसको लेकर आज अभ्यर्थी अधिवक्ताओं ने लोक सेवा आयोग कार्यालय पर विरोध प्रकट कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल हाल ही में आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में जिस परीक्षा को 2024 फरवरी में करने की बात कही, बार बार साक्षात्कार की तिथि आगे बढ़ने से चयनित अधिवक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। साल भर साक्षात्कार का इंतजार करने के बाद सोमवार को अभ्यर्थी अधिवक्ताओं ने आयोग के समक्ष ज्ञापन देकर अपनी चिंता जताई। जो साक्षात्कार है उसे जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर आए उपस्थित हुए हैं सभी लोग एडवोकेट हैं, क्योंकि आयोग ने सबसे पहले 2015 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 6-7 साल बाद 2021 में वैकेंसी आई है, जून 2021 में, उससे बाद में दिसंबर 2022 में 3 बार परीक्षाओं को स्थगित करते हुए आगे बढ़ा है। फिर हमारे जो रिजल्ट हैं वो जनवरी 2023 में आए थे, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू की जो तारीख है वो 3 बार एक्सटेंड कर चुके हैं, और हमने पिछली बार जब ज्ञापन दिया था तो इन्होंने हमें दिसंबर का आश्वासन दिया था और पूरी तरीके से आश्वस्त करा था कि आपके किसी भी हालत में दिसंबर में इंटरव्यू हो जाएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने फरवरी की डेट रखी है। हमारे साथी अधिवक्ता और मेरी ये मांग है कि हमें पीएससी पे कहीं ना कहीं संदेह है कि हो सकता हो कि ये फरवरी से आगे बढ़ा दिए जाए, तो इन्हीं मांगों को लेकर हम पीएससी पर आए हैं। अगर आपकी मान्य नहीं पूरी होती तो हमारा ये जो भी आंदोलन है ये आगे धरना प्रदर्शन चलते रहेगा पीएससी के खिलाफ। ऐसा कितने ही कितने लोगों को प्रभावित हो रहे थे? 256 पोस्ट आई थी, 900 लोगों को चयनित किया गया था, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और हमसे पहले जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू हुए हैं वो एग्ज़ाम हुई हैं, जिनके रिजल्ट बाद में आए उनके इंटरव्यू पहले करा लिए गए हैं, तो हमारे आयोग से यही मांगे कि हमारे इंटरव्यू जल्द से जल्द कराया जाए। अगर कोई भी प्रकार की आंदोलन है तो धरना प्रदर्शन कराया जाएगा आपके? जी जी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं है तो हम विधिक कार्रवाई पे विचार करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।